नमस्ते। आप साधकों ने देखा होगा कि फिलहाल के समय में बाबा जी डॉक्टर भास्करम पिल्लई कई बार ये कह रहे हैं कि वी आर एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ गोल्डन एज, वी आर इन द प्री डॉन पीरियड ऑफ गोल्डन एज, मतलब कि हम सतयुग के पहले चरण में हैं। सतयुग बहुत जल्द ही आ रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप हो सकता है ऐसा पूछेंगे कि लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी इस युग में बहुत सारी नकारात्मकता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा दुख है। तो सतयुग तो सुख से भरा है, हर्ष से भरा होता है, तो वैसा तो जीवन नहीं दिख रहा है। इसीलिए इसे सतयुग की शुरुआत कहा गया है या प्री डॉन पीरियड। कुछ ही समय में हम सतयुग में प्रविष्ट हो जाएंगे। इसे कुछ अरसा लग सकता है सतयुग को संपूर्णतया सेट होने में, पर हम सब जो इस वक्त यहाँ जीवित हैं, यह सारे व्यक्ति सतयुग की शुरुआत में ऑलरेडी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अभी आप पाएंगे कि जैसे ही जीवन आगे बढ़ेगा, आपका जीवन, तो जीवन में बहुत परिवर्तन होंगे। जैसे आपने देखा 2-3 साल पहले कोरोना वायरस आया, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्र में या सारे संसार में अलग अलग प्रकार की उथल पाथल हो रही है। बाबा जी इसे एपोकैलिप्स कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, नेचुरल डिजास्टर्स, फिनेंशियल डिजास्टर्स, फिनेंशियल एंड बैंकिंग वर्ल्ड में जो अपहीवल्स आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ये सतयुग की शुरुआत में ऐसा ही होता है, एक प्रकार का रेचन होता है। जैसे ध्यान में गलत ऊर्जाएं बाहर होती हैं, निष्कासित होती हैं पहले, और उसके बाद अच्छी ऊर्जाएं प्रविष्ट होती हैं। तो गलत ऊर्जाएं कम हो रही है और अच्छी ऊर्जाएं प्रविष्ट होने लगी है। इस सतयुग के समय में आपको क्या देखने मिलेगा? आपके स्वयं के भीतर आपको कुछ अलग अलग प्रकार के गुण विकसित करने होंगे। पहला गुण, आपको 200% लाइफ की ओर जाना होगा। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा सांसारिक है तो आपको अध्यात्म की ओर मुड़ना होगा, अगर आप बहुत अधिक आध्यात्मिक है तो आपको थोड़ा भौतिक या सांसारिक भी होना पड़ेगा। आपको, जैसे बाबा जी कहते हैं, 200% लाइफ, अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सतयुग में आपको ये जीना है। दूसरा गुण जो आपको अपने भीतर विकसित होता महसूस होगा, वो होगा समर्पण का। सतयुग में समर्पण के लिए बहुत ही स्थान है। आपका जीवन जैसा जा रहा है उसके प्रति एक स्वीकार भाव भी होना चाहिए। हम मैनिफेस्टेशन में मानते हैं, पर मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मैनिफेस्टेशन से पहले एक्सेप्टेंस, एक स्वीकार भाव, ईश्वर की ओर एक शरणागति, यह भी अति आवश्यक है। तो यह दूसरा गुण है जो सतयुग में जाने के लिए आपके लिए एक प्रमाण पत्र जैसा काम करेगा। तीसरा गुण, को-क्रिएशन विद द डिवाइन। आपको अधिक से अधिक जो आपके जीवन में कार्यान्वित करना है, आपके जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना है, वह सब आपको अपने ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब आपके जो पुरुषार्थ है स्वयं के, उसके अलावा ईश्वर की कृपा के थ्रू मैनिफेस्ट करना है। को-क्रिएशन विद द डिवाइन, मतलब ईश्वर की कृपा के द्वारा आपके जो पुरुषार्थ हैं उन्हें आपको फलीभूत करना है। यह बहुत ज़रूरी है, हर कदम ईश्वर के साथ साथ चलना है। दैनिक कामों में ईश्वर को याद करना है, इच्छा पूर्ति में ईश्वर को याद करना है, सहायता के लिए ईश्वर से दिन भर सहायता मांगनी है, दिन भर ईश्वर को धन्यवाद देना है, एक जिसे हम कहते हैं कि अनुग्रह भाव या ग्रैटिट्यूड, उसका विकास करना है ईश्वर के प्रति। सो जो पूरा दिन होगा वो सतयुग में आपका अधिक से अधिक एक ईश्वर प्रणिधान के गुण के साथ आपका पूरा दिन पास होगा। यह जो है, ये सारे सतयुग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में अधिक से अधिक लाएंगे, दोबारा मैं उन्हें दोहराऊंगा, 200% लाइफ की ओर जाना, शरणागति और स्वीकार भाव में बढ़ना, और ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर के साथ
जुगलबंदी बढ़ाना, तब आप पाएंगे कि यह सारी जो ग्रहों की दशा बदल रही है और सतयुग का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के साथ साथ आपके भीतरी जगत में भी एक सतयुग निर्मित होगा। धन्यवाद।